Hey guys, what's up? Good morning, Sashyakal, Adab, Vanakkam. स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल Mr. and Mrs. Raj में. मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त. और इस वक्त हम लोग हैं सूरत में. सूरत में पहले दिन का शॉपिंग हो चुका था, दूसरे दिन का शॉपिंग करना है. तो अभी हम लोग जनरली बहुत सारी चीजें आज भी लेने वाले हैं. तो वो सब कुछ जो भी शॉपिंग करेंगे वो तो आपको देखेगा अगले व्लॉग में. लेकिन फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं नाश्ता करने, क्योंकि मनीषा भी रेडी होकर बैठी हुई है यहाँ पे आराम से. टाइमिंग है 10 बजे तक नाश्ता करने. हमारे होटल का जो टाइमिंग है, हमारे यहाँ मतलब होटल में जब भी आते हैं तो आपको पता ही है ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है. चलते ऊपर पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग. इतना अर्ली मॉर्निंग खाने का आदत नहीं है, तो अभी चलते हैं. वैसे आदत है सही में नहीं है, तो चलते हैं. अब आज तो थोड़ा गुजारा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ का ब्रेकफास्ट एकदम मस्त होता है. तो आपको भी दिखाते हैं. और ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5th फ्लोर पे. तो खोल लेंगे हम. तू मान मेरी जान. तो क्या लग रहा है, हम खोल नहीं पाएंगे? तुझे जाने ना दूंगा. यू वॉन्ट टू गो? गो बेबी गो. जाओ तुम, हम खोल के दिखाते हैं. जाओ नहीं, तुम जाके देखो. पता है, खोल लेंगे. नहीं 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 नहीं, ज्यादा तेज बनती है, ज्यादा तेज एकदम खतरनाक तेज बनती है. चलो गाइस चलते हैं ऊपर. तो गाइस आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बहुत ही एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ. पर्सनल ग्रूमिंग किसे अच्छी नहीं लगती. जैसा कि भोजन हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसा ही पर्सनल ग्रूमिंग भी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है. वो कहते हैं ना कि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ आत्मा का वास होता है. अगर मैं ग्रूमिंग की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है. इवन बॉयज के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है टू मेंटेन देयर ग्रूमिंग. और इसी ग्रूमिंग का एसेंशियल पार्ट है अनवांटेड बॉडी हेयर को रिमूव करना, जो बहुत लोग इसे एज ए रूटीन फॉलो भी करते होंगे. डिपेंडिंग अपॉन देयर हेयर ग्रोथ, बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ मेथड जैसे रेजर, एपिलेटर या ट्रिमर, वैक्सिंग और न जाने क्या क्या तरीके अपनाते हैं. और अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग हर कोई कुछ न कुछ ट्राई करते रहता है. बट स्टिल आप सब में बहुत लोग होंगे जो अभी भी बेटर ऑप्शन को सर्च करते होंगे. इवन हम लोग भी करते हैं. अगर हमें इन सब मेथड से कोई बेटर वे मिल जाता है बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए, जिसमें मुझे कर्ट्स, इन्फ्लेमेशन, पेन फ्रिक्वेंटली हेयर रिमूव करने की जरूरत ना हो, तो व्हाई नॉट. सो टुडे आई हैव दिस यूनिक हेयर रिमूविंग स्प्रे फ्रॉम ब्रांड न्यूट. अब आप लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन होंगे, व्हाई दिस हेयर रिमूविंग स्प्रे, ये इतना यूनिक क्यों है. सो लेट मी टेल यू, ये प्रोडक्ट स्प्रे की फॉर्म में मिल जाता है, जिसकी वजह से हम इसे एनीवेयर एनी टाइम यूज कर सकते हैं. सिर्फ आपको हेयर के ऊपर स्प्रिंकल करना है जिस हेयर को आप हटाना चाहते हो, और 10 मिनट तक वेट करना है. डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ योर हेयर, और उसको गीले कपड़े से क्लीन कर देना है. नाउ ऑफिस से पार्टी का प्लान हो या शादी जैसे इम्पोर्टेंट इवेंट, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूड हेयर रिमूवर स्प्रे विल गॉट योर बैक. आपको नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा आसान है? एलॉन्ग विथ इजी हैंडलिंग, इसे यूज करने के बाद हमारी हेयर ग्रोथ की फ्रिक्वेंसी भी कम होती है. दिस स्प्रे हैज पावरफुल बायो एक्टिव, जैसे कि नीम ऑयल, एलोवेरा, कैमोमाइल, जोजोबा ऑयल, लेमन ऑयल और सनफ्लावर सीड्स. और ये फॉर्मूला पैराबिन फ्री है, जिसकी वजह से हम हेयर को स्मूथली रिमूव कर सकते हैं बिना किसी रेडनेस के, इचिनेस के और इन्फ्लामेशन के, जो कि हमें यूजुअली फेस करनी पड़ती है. जैसा कि ये प्रोडक्ट स्किन फ्रेंडली है, कुछ चीजें ऐसी है जिसे मैं आपको रिकमेंड करने के पहले बताना चाहूंगी. हमेशा एक पैच टेस्ट करना चाहिए बिफोर यूजिंग एनी काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट. ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है और इसे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं, बट इसे फेस पे यूज ना करें, आर्मपिट्स और इंटीमेट एरिया पे भी यूज ना करें. तो आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हूँ. ये जो प्रोडक्ट है ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता है. हम लोग आ चुके हैं 5th फ्लोर अपने रेस्टोरेंट के पास. निकालो मिंसा मेरे लिए भी, उनको दे दो भैया. तो मिंसा का फोन डिस्चार्ज हो गया, ये रात भर फोन चार्ज में लगाई थी. तुम्हारा पेटवा क्यों निकल गया बाहर? अरे ये ड्रेस है, ये देखो ऐसा लगता है थोड़ा हेल्दी. सब इस पे कमेंट कर देंगे, गुड न्यूज गुड न्यूज. गुड न्यूज काटते नहीं, काट दिए हैं. निकालो नाश्ता मेरे लिए भी निकालो. एक ही में निकालेंगे क्या?
अलग अलग निकालो, लाओ मेरा ये प्लेट लाओ। तो गाइस आपको दिखाते हैं आज नाश्ते में क्या क्या है। आज है पूरी सब्जी, वाओ, पकौड़े और पोहे, वाओ, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट चौकोज और जूस, साथ में टोस्ट और ये भी है फिन और टी मिल्क सब कुछ। बाकी ऑमलेट वगैरह भी मंगा सकते हैं आप। निकालो क्या निकालना है भैया, पूड़ी मंगा दो, पूड़ियाँ मंगाओ, गरम गरम। मैं बॉयल्ड एग खाऊंगी, पूछते हैं बॉयल्ड एग मिल जाएगा तो पूछो। एक ऑमलेट बनवा दो, क्यों क्यों हाफ फ्राई, मैं ऐसे खाऊंगी, आप कैसे खाएंगी? एक आपके लिए एक वैसे बना देना और एक नॉर्मल बना देना, ठीक है? सब कुछ हाफ फ्राई बोल रही है ना, हाफ फ्राई बोलो उसको, बस मैं बोल देने की कोशिश में वो डालूंगी। बुलाओ उनको, भैया को। भैया सुनो, एक सेकंड सुन लो। हाफ फ्राई होता है ना, हाफ फ्राई, एक हाफ फ्राई करना एक ऑमलेट करना, ये हाफ फ्राई बोल रही है। चलो भाई ये भी रिकॉर्ड हो गया। तो तुम पोहे खाओगी या पूड़ी खाओगी? पूड़ी तो अभी बनवाना पड़ेगा, लाओ तब तक चाय और चौकोज वगैरह खाए जाए। सो गाइस चलिए चौकोज वगैरह खाते हैं अभी। सो गाइस अभी हम लोगों ने सुबह सुबह लिया है मिल्क कॉर्नफ्लेक्स और फेन, और मनीषा ने टी भी ले लिया है, मिल्क और टी, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन व्हाट यू आर हैविंग राइट अवे। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम लोग खाना खा रहे हैं, वाह अब अच्छा लग रहा है। हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे बैठे हुए फिलहाल एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मनीषा का आ गया ब्रेड ऑमलेट और यहाँ पे हाफ फ्राई। तो यहाँ पे अब टूट पड़े हैं पूरी सब्जी पे हम लोग, बस एक एक खाएंगे, सब चीज़ थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं क्योंकि आइटम इतना है कि नाश्ता पानी करके आ चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं सीधे अपने शॉपिंग डेस्टिनेशन पे। तो आज हम लोगों को लेना है होलसेल में कुछ साड़ियाँ, एक्चुअली यहाँ पर अच्छे अच्छे बंडल वगैरह लेके जाएंगे अब। तो चलते हैं, फिलहाल आप लोग बने रहो और इस व्लॉग को भी एंड करते हैं क्योंकि शॉपिंग वाला व्लॉग जो है उसको स्पेशली नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। बहुत पसंद कर रहे हो आप लोग शॉपिंग वाली वीडियो, तो उसके लिए बहुत सारा आप लोगों का थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। बाकी मनीषा भी यहाँ पर, मनीषा भी स्वस्थ रहें तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। चलो निकलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन, बाय बाय।